tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. तो हे यारो, कैसे हो? तो यार आ गए एक नए वीडियो के साथ वापस। और भाई ये वीडियो वही अपना 7 चिकन डिनर जो अचीवमेंट था भाई उसके ऊपर है पूरी, मतलब डेडिकेटेड। तो भाई इसमें मैं बताऊंगा कि मतलब कैसे तुम वो कर सकते हो, मतलब क्या क्या तुम्हें भाई दिक्कत आ सकती है, तो भाई उसको देखना। और भाई कसम से भाई ये टाइटल लेना मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल था। मतलब भाई 7 चिकन निकालना ना, बंदे कहते तो हैं कि हो जाएगा 7 चिकन, पर भाई कसम से अगर वो 7 चिकन के बीच में अगर तुम्हारा कुछ भी हैकर आ गया या फिर कोई सा भी गेम एक बार #2 चला गया तो भाई बर्बाद है गेम। तो अभी तुम देखो यहाँ पे हम पे 7 चिकन कर लेते हैं हम लोग और हम पे होती है ट्रॉफ़ी। तो यहाँ पे हमारे मैप पे मार कर आता है और सामने देखो ये होता है जहाँ पे हमें ट्रॉफ़ी लगानी होती है। तो यहाँ पे आके हम लोग समय पहले ट्रॉफ़ी लगाते हैं, तो मेरे टीममेट के पास होती है ट्रॉफ़ी तो वो लगा देता है और यहाँ पे अपने को बॉलें दिखनी शुरू हो जाती है। तो मैं समय पहले यहाँ पे गन उठा के और एक गाड़ी ढूंढ के मैं समय पहले बॉल कलेक्ट करता हूँ सारी की सारी। तो यहाँ सामने की तरफ गाड़ी दिख रही होती है, तो इस पर बैठ के सीधा ही मैं बॉल उठाने के लिए चला जाता हूँ जो कि एक होती है सामने की तरफ और एक होती है लेफ्ट की तरफ। तो मेरा टीममेट कहता है कि एक मैं उठा रहा हूँ और एक तू उठा ले। तो मैं फिर जाके सीधा घर वाली जो बॉल होती है उसको उठाने के लिए जाता हूँ, सामने ही होती है। और भाई मतलब ये अचीवमेंट ऐसा था कि भाई इसे करना तो मतलब एक बार को अगर किसी का भी हो गया ना तो वो बंदा आराम से भाई अपने टीममेट को भी करवा सकता है। तो भाई हम लोगों पर ही मतलब हम चारों के चारों जो खेल रहे होते हैं हम चारों पे ही ट्रॉफी होती है, मतलब ऑलमोस्ट 4 ट्रॉफी होती है हम पे। तो भाई हम पे 4 चांस होते हैं तो अपने को इस बात की भी टेंशन नहीं थी कि मतलब कोई गेम बर्बाद हो जाएगा तो कोई नहीं। तो यहाँ पे एक ड्रैगन बॉल होती है तो भाई वो तो मैं उठा लेता हूँ। उसके बाद सेकंड होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये उठाने आता हूँ मैं और बाकी की जो 2 बॉलें होती है वो मेरे टीममेट उठा लेते हैं। तो ये लास्ट ही होती है यहाँ पे, जिसके बाद अपने को 3 बॉलें और दिखनी होती है। तो भाई इसको उठाने से पहले मैं अपने टीममेटों से पूछता हूँ मतलब कि गनवन है ना तुम पे, कि मतलब बता दो कि अगर कुछ ना है तो, क्योंकि अभी अगर जैसे ही उठाऊंगा तो भाई सब बंदों को पूरी लोबी को अपनी लोकेशन दिखनी शुरू हो गई होगी। तो अब जैसे ही मैंने ये उठाई भाई मिनी मैप पे सब लोगों को भाई लोकेशन दिखनी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ से वो करता हूँ तो बाकी के 3 बोलों की लोकेशन अपने को पता चल जाती है, जो कि एक होती है विल्टा और 2 होती है रोजोक की तरफ। तो फिर उन्हें उठाने के लिए जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मेरे टीममेट से कि सीधा पहले मिल्टा वाली उठाते हैं अपन, फिर उसके बाद रोजोक की उठा के जहाँ पर भी समन का वो आएगा बोले लगाने का तो वहाँ पे चलेंगे। तो उसके बाद एक मेरे को बैग में क्रेट मिलती है मतलब जिसमें लूट होती है बोले कलेक्ट करने पे, तो मैं समय पहले इसको खोलता हूँ और उसके बाद अपनी भाई लूट लेता हूँ क्योंकि लूट नहीं थी मेरे पे। तो इसमें से मेरे को एक M4 मिल जाती है। तो जल्दी से इसे उठा के मैं सीधा फिर गाड़ी उठा के बोले उठाने के लिए जाता हूँ। तो फिर उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पर मिल्टा पहुँचते हैं तो एक बोल पड़ी होती है रोड पर, तो मैं अपने टीममेट से कहता हूँ कि तुम लोग आगे हो उसे कलेक्ट करो, फिर उसके बाद डायरेक्टली अपन रोज़ चलते हैं। फिर वहाँ पे जहाँ पे भी समन करने का आएगा तो वहीं पे जाके समन मारेंगे। तो मेरे टीममेट यहाँ पे बॉल कलेक्ट कर लेता है और भाई मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे बोले हम तो कलेक्ट कर रहे हैं पर भाई बंदे हम लोगों को भाई प्लान करने के लिए तैयार है, धरने के लिए मतलब भाई मतलब इतने मतलब अभी बंदे आ जाएंगे अभी तुम देखना। जैसे हमने यहाँ से बॉल कलेक्ट करी तो अब बची होती है सिर्फ एक रोज़ों की बॉल। तो यहाँ पे एक बॉल होती है वहाँ पे पीछे रिकॉल वाले घरों पे, तो वो मेरा टीममेट उठा लेता है। और अब बची होती है लास्ट बॉल जो कि यहाँ ब्रिज के नीचे होती है, तो इसको उठाने के लिए मैं जाता हूँ। और ये होती है यहाँ पे नीचे, तो जैसे ही इसे उठाता हूँ भाई पता चलता है बैग में स्पेस नहीं है, भाई ये स्पेस भी लेती है।
तो जैसे ही इसे उठाता हूँ तो भाई अपने को पता चल जाता है कि जहाँ पे मतलब सैरन को समन करना है तो वो हमारा बना होता है फेरी पियर पे, और 10 मिनट का टाइम होता है जिस समन करने के लिए। पर भाई मेरे टीममेटों को ये बात नहीं पता होती, और भाई ये लोग अभी कह रहे होते हैं कि भाई अभी चलते हैं, अभी मार देते हैं समन, 10 मिनट का टाइम है अपने पे समन मारने के लिए। और मैं कह रहा होता हूँ 10 मिनट के बाद मारना है, पर भाई नहीं, ये कह रहे होते हैं अभी चलो। तो भाई अभी देखो मैसेज भी आ गया, तो भाई इन लोगों की बात सुन के अब मैं कह रहा होता हूँ कि भाई चलो भाई तुम अभी चलो, तुम्हें दिखा देते हैं मतलब क्या सीन है इसका। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे होते हैं समन मारने के लिए, और भाई हमको अपने को अब नहीं पता होता कि अब इतनी टीमें हमारे पास आने को तैयार है। मतलब देखो अभी अभी बोले होती हैं जो वो मेरे पे होती है, और मेरे चार नंबर टीममेट पे होती है सारी बोले, ठीक है। तो पूरी लॉबी को हमारी लोकेशन दिख रही होती है, तो यहाँ से हम लोग जा रहे होते हैं जैसी, तो मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं आगे चला जाता हूँ, पीछे से ये लोग कवर दे देंगे, पर ये लोग भाई पता नहीं कहाँ की तरफ मुड़ जाते हैं। और लेफ्ट साइड अपार्टमेंट में बंदे होते हैं, तो भाई मैं तो निकल जाता हूँ, पर पीछे मेरा नंबर चार भी आ रहा था, तो भाई उसको बंदे धर लेते हैं क्योंकि वो पीछे की तरफ से आ रहा था, मैं तो बच गया था जैसे जैसे करके, पर भाई उसको नोक मार देते हैं। और अब भाई सामने से जैसे ये नोक होता है तो सामने से एक गाड़ी भाई मेरे को मारने के लिए आ रही होती है, और इन लोगों को लोकेशन तो दिख ही रही होती है। तो भाई ये लोग आते हैं और भाई पेल के बोले लेके चले जाते हैं। और भाई मैं अपने टीममेटों से अब कह रहा होता हूँ कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मतलब अभी 10 मिनट का टाइम है, अभी कहीं सेफ चलो, वहाँ पे जाके फाइट लेके होल्ड करके बैठेंगे, पर भाई नहीं, इन्होंने मतलब अभी चलो अभी चलो अभी चलो। तो मैं इनसे कहता हूँ सब में पहले कि मेरे को रिकॉल मारो, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं रिकॉल होता हूँ सब में पहले, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि तुम लोग एक काम करो, बोले दो मेरे को, और उसके बाद तुम लोग इनसे लड़ने जाओ। तो ये लोग मेरे को सारी बोले दे देते हैं, और ये लोग यहाँ पे आके इन लोगों को मार भी देते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी बोले होती हैं हम लोग वापस कलेक्ट करते हैं इन लोगों से, जो कि यहाँ पे गाड़ी होती है, तो ये लोग मार देते हैं उन्हें। तो हम लोग बोले तो कलेक्ट कर ही लेते हैं, वो मैंने सारी बोले रख ली होती ताकि दोबारा से बोल ना छिन जाए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये वाली बोले कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद बची होती है बस एक वो वाले बंदे जिन्होंने नंबर चार को मारा था। तो जैसे ही उनके पास आते हैं भाई, इन लोगों का हो जाता है सैंडविच, और इन्हें पहाड़ी वाले बंदे तक मार देते हैं। तो यहाँ पे आके अपन लोग इनकी भी बोले कलेक्ट करते हैं, और मैं बोल रहा होता हूँ कि मैं बोले कलेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग मेरे को पहाड़ी से कवर दे देना, क्योंकि पहाड़ी पे बंदे होते हैं, पर भाई वहाँ पे अभी दो टीम होती है, तो अभी हम बचे हुए होते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे भाई मैं बोले देख रहा होता हूँ कि मतलब एक पेटी कहाँ है जिसमें बोल है, पर भाई दिख नहीं रही होती मेरे को कहाँ पर है वो पेटी। बोलों का मार्क तो आ रहा था पर दिख नहीं रही होती, और यहीं से आ रहा होता है। तो मैं समय पहले एक गाड़ी आगे करता हूँ, और इस वाली पेटी में होती है बोले, जो कि मेरा टीममेट उठा लेता है सारी की सारी। तो यहाँ पे बोले उठाने के बाद हम लोग सीधा ही फेरी पियर के लिए निकल जाते हैं, कि मतलब बिना रुके, क्योंकि अभी वहाँ पे फाइट चल रही होती है रोजोक पे। तो भाई अभी अपने पे टाइम होता है बहुत, मतलब बहुत सारी टाइम होता है निकलने के लिए, नहीं तो भाई अगर इन लोगों ने देख लिया तो भाई हमारा बचना मतलब मुश्किल था। तो यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे करके भाई निकलते हैं और पहुँचते हैं यहाँ पे फेरी पियर पे, और यहाँ पे आते ही भाई एक बग्गी लेफ्ट साइड से निकलती है हमारे, जो कि वहाँ आगे की तरफ होती है। तो मैं मेरे टीममेट को यहीं उतार देता हूँ, और मेरे टीममेट पे होती है सारी बोले नंबर एक पे जो है, तो इसको हम लोग सारी बोले दे देते हैं। और मैं बोलता हूँ कि एक काम कर, ये ले इधर आ, मेरे पे भी जो बोल है वो भी रख ले तू, और उसके बाद वहाँ पे जाके मैं बंदों से फाइट ले रहा हूँ ताकि तू आराम से वो मार सके समन। तो मैं सीधा आगे की तरफ जाता हूँ, जो कि बंदे यहाँ पे ये रिच के पीछे चले जाते हैं बग्गी लेके अपनी। तो मैंने बोला कि मैं आगे जा रहा होता हूँ, तुम लोग मेरे को पीछे से कवर दे देना। तो ये इस रिच के पीछे होते हैं, पर भाई मेरे को नहीं पता था कि मतलब ये ऐसा कैम करके बैठे हुए होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आता हूँ मेरे को एक के फुटस्टेप आते हैं, मैं घुस जाता हूँ, पर भाई दो निकलते हैं यहाँ पे, और दोनों के दोनों मेरे किल चोरी हो जाते हैं। पर भाई कोई बात नहीं, अभी अपने को किल विल से कोई मतलब नहीं है भाई, अभी अपने को सिर्फ अचीवमेंट करना है और कुछ ही बात नहीं है। तो सब में पहले यहाँ पे अभी बचे होते हैं बस 3 सेकंड, तो सीधा ही अपन लोग यहाँ पे जाके, समन कर देता है मेरा टीममेट, और बूम। और अब देखो भाई मतलब भाई क्या ही सीन है ये, मतलब भाई क्या तगड़ा सीन लगा ये भाई, इसे देख के मतलब मजे आ गए, अलग ही खुशी मिल रही थी भाई इसे देख के। मतलब तो यहाँ पे अपना 7 चिकन डिनर वाला भाई अचीवमेंट इजीली कंप्लीट हो जाता है, इजीली तो भाई बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मतलब भाई बहुत हार्ड अचीवमेंट था ये, सीरियसली कह रहा हूँ बहुत हार्ड अचीवमेंट था, मतलब भाई हलवा नहीं है भाई 7 चिकन करना, ठीक है।
लगातार, वो भी भाई बहुत बार हम लोग मरे, हम लोग एक्सट्रैक्ट 2 मरे, 4 मरे, 4 चिकन करके मर गए, पूरी की पूरी हमारी भाई लाइन टूट गई, मतलब ऐसे ऐसे सीन चल रहे थे। बाकी तो भाई अभी तो मिल गया भाई अपने को टाइटल, और ज़रा आप टाइटल देखते हैं, अचीवमेंट भी हो गए और अपने को 30 अचीवमेंट पॉइंट भी मिल गए इसके। और भाई यहाँ पे आके कलेक्ट भाई, मतलब वो पूरे सर्वर में भाई 21%, मतलब 21 नहीं 0.21%, मतलब भाई आधे परसेंट बंदों ने भी नहीं करा ये, आधे के आधे परसेंट बंदों ने भाई, बहुत हार्ड अचीवमेंट है मतलब सीरियसली, ठीक है। और भाई अब तुम्हें पता है कि मतलब भाई आज नेक्स्ट सीजन भी आ चुका है, नया सीज़न भी आ चुका है, तो भाई अगर तुम्हें कॉनकर के ऊपर भाई पूरी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, मतलब भाई कॉनकर पुश कहते करें, अभी तुम देखो मैंने लास्ट सीज़न मतलब वो करा था और मेरे पॉइंट कितने थे, पर भाई मैं कर नहीं पाया था क्योंकि मैंने फिर बीच में छोड़ दिया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद भाई इतने पॉइंटों पे मैं रह गया था और मेरे रह गया था भाई कॉनकर, ठीक है। तो भाई अब अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इस सीज़न करूँ या फिर पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ डेली के डेली कि मतलब कैसे पुश कर सकते हो तुम, तो भाई मेरे को कमेंट करके बता दो कि मतलब कैसे बनानी है या फिर नहीं, ठीक है। और अगर तुम लोग चाहते हो तो भाई मैं बना दूंगा। बाकी तो भाई अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, मतलब अचीवमेंट करना अच्छा लगा, तो भाई लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तब तक के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।